राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आप नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। करनाल में आज पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता, राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा, अशोक तंवर और चित्रा सरवारा मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक के बाद आप नेताओं ने शहर भर में पैदल यात्रा निकाली और कहा कि देश में 75 सालों के बाद विकास और भ्रष्टाचार को खत्म करने, शिक्षा को बढ़ावा देने की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की है, जबकि मौजूदा शासन में लोग फर्जी डिग्रियों के आधार पर सत्ता हासिल कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में समुन्द्र में डुबकी लगा रहे हैं। तो 75 साल के बाद ये देश विकसित देश हो, ये देश शिक्षित देश हो, ये बेरोजगार देश हो, इस देश के अंदर जाति और धर्म की राजनीति खत्म होके काम की राजनीति शुरू हो, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म करके ईमानदार राजनीति की शुरुआत हो, ये शुरुआत की है अरविंद केजरीवाल ने। और आज अरविंद केजरीवाल जी के विचारधारा की नकल मारते हुए पूरे देश के अंदर अन्य राजनीतिक पार्टियां भी राजनीति के केंद्र बिंदु के अंदर स्कूल और हॉस्टलों को लाने लगी है। इस देश को एक पढ़ा लिखा शिक्षित प्रधानमंत्री चाहिए। इस प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर जो नकली डिग्रियों का बोलबाला है, असंध के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक चेयरमैन की नकली डिग्री निकली, सोना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन की नकली डिग्री निकली, और देश के शीर्ष नेतृत्व के अंदर भी आज डिग्रियां छुपाने की जो परंपरा चल रही है। आज हिंदुस्तान को ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो सीना थाम के कह सके कि हिंदुस्तान को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मिला है, हिंदुस्तान को शिक्षित करेगा, हिंदुस्तान को विकसित करेगा। उधर इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा ने दावा करते हुए कहा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का परिवार 10 लाख लोगों का हो गया है। उन्होंने कहा है कि एक महीने में पहले हमारा संगठन काफी कमजोर था, लेकिन एक महीने के सदस्यता अभियान के बाद आपका संगठन अब मौजूदा सरकार को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हो चुका है। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हमारा संगठन बहुत तेजी से बन रहा है, आम आदमी पार्टी को चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और हरियाणा में भी हमने एक छोटा सा प्रयास किया था। हम बहुत छोटी सी पार्टी, हरियाणा में तो आप कह सकते हैं बहुत ही छोटे स्तर पे हमने शुरुआत की थी। एक महीने का सदस्यता अभियान चलने के बाद अब हम 10 लाख लोगों से भी बड़ा परिवार बन चुके हैं पूरे हरियाणा के अंदर। और जब ये सारे साथी एक साथ चलेंगे, जब ये सारे सदस्य एक विचारधारा के लिए एक दिशा में एक साथ चलेंगे, तो एक बड़ा सैलाब, बड़ा इनकलाब आएगा हरियाणा में, और इन सारे भ्रष्टाचारियों की छुट्टी होगी हरियाणा की राजनीति से। आज जो इस उपलक्ष्य में सारे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनके योगदान के लिए, और देश के सभी लोगों को भी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं हम इस उपलक्ष्य में कि एक नई राजनीति को विकल्प के तौर पे देश के लोगों ने चुना है, नेशनल पार्टी बना के चुना है, और हरियाणा की राजनीति में भी एक बड़े बदलाव की नींव तैयार हो रही है। कुल मिलाकर हरियाणा में आने वाले 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अब की बार जबरदस्त घमासान देखने को मिल सकता है। एक तरफ इनेलो परिवर्तन पदयात्रा के जरिए सरकार बनाने का दम भर रही है, तो दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी एक्शन मोड में है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ने भी सियासी मैदान में उतर कर चुनावी हुंकार भर दी है, जिसको लेकर अशोक तंवर और चित्रा सरवारा ने क्या कहा, जरा सुनिए। सिंबल है, क्योंकि आप सब जानते हैं इस बात को कि जो चुनाव चिन्ह होता है वो किसी भी पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो चुनाव चिन्ह अब पूरे देश में फ्रिज हो गया, अब झाड़ू केवल और केवल आम आदमी पार्टी और आम आदमी इस देश का चलाएगा, और गंदगी जो राजनीति में फैली है उसको साफ करने का काम करेगा। और उसी उपलक्ष्य में आज हम सारे साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो हमारा लक्ष्य है, अरविंद जी ने कल भी बात रखी कि हमें लक्ष्य पे अडिग रहते हुए कैसे पूरी दुनिया के अंदर ये भारतवर्ष नंबर एक बने, और उस नंबर एक को बनाने के लिए हमें ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत के रास्ते पर चलना है, और उसी की बदौलत आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं। आने वाले जो राज्य हैं चुनाव, जिनमें कर्नाटक हो, इस साल के अंत में 4-5 राज्य और हैं, और जहाँ तक हरियाणा की बात अभी हमारे साथियों ने रखी, तो हरियाणा पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी ना केवल लड़ेगी, जिस तरीके से लगातार परिवार बढ़ता जा रहा है, आम आदमी पार्टी एक बड़े मैंडेट के साथ यहाँ जिस तरीके की राजनीति हुई, जिस तरीके से लूट खसोट होती रही, जिस तरीके से हरियाणा को बार बार विभाजित किया गया, तो अब उसका अंत होगा उस राजनीति का, और नई राजनीति के साथ नई लीडरशिप
गांव से लेकर के बूथ से लेकर के और ऊपरी स्तर तक आम आदमी पार्टी भविष्य में तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेशवासियों को और उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों को जिन्हें एक बदलाव की आशा थी, एक बदलाव के लिए जो सड़कों पर उतरे थे, आज उन्होंने जो मुहिम जो मुकाम उन्होंने जीता है उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। और मुझसे पहले सभी ने आज के इस मुद्दे की व्याख्या करी। राघव चड्ढा जी ने बड़े खूबसूरत शब्दों में कहा कि शायद आम आदमी पार्टी आज देश का सबसे तेज इस्टैब्लिश होने वाला, उठने वाला और बढ़ने वाला पॉलिटिकल स्टार्टअप है। स्क्रैच से शुरू होना मतलब बिल्कुल ही स्क्रैच से शुरू होने वाली, आंदोलन से शुरू होने वाली, बिना किसी मौजूदा पार्टी का चुनाव चिन्ह या MLA लिए बिना अपने आप और राजनीति करने के लिए नहीं बदलाव करने की एक अभिलाषा लेकर जो लोग उतरे थे, उन्होंने जो एक मुहिम चलाई थी, आज 10 ईयर्स के अंदर राष्ट्रीय पार्टी उन्होंने आज आम आदमी पार्टी को बना दिया है। हर जिले में, हर प्रदेश में इसकी आज टीम गठित हो रही है और हम आज यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की मेहनत और उनकी विजन को, उनके साथ जिन लोगों ने इस मुहिम को स्टार्ट किया उनकी मेहनत और विजन को, और जो लाखों लाखों लोग इसके साथ चलते रहे, जुड़ते रहे, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही देश की जनता को शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वोट शेयर और सीट शेयर इस्टेब्लिश करके आज सभी आंकड़ों पर मान्यता प्राप्त कराते हुए आम आदमी पार्टी को इस्टेब्लिश। बता दें कि दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं गुजरात में हुए चुनाव में कामयाबी मिलने के बाद तो आप नेताओं व कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने ही बनता है। हालांकि हरियाणा के सत्ताधारी और भाजपा जजबा से लेकर तमाम विरोधी दलों के नेता आम आदमी पार्टी को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन आप नेताओं ने चुनावी तैयारियों को लेकर पूरी ताकत झोंक रखी है और दावा किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में झाड़ू चलेगी और आपकी सरकार बनेगी। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सिटी में।